Hey, what's up guys, welcome back to the channel, this is T and you are watching online money as usual। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जो हमारा पार्ट 5 है आई थिंक। ओके 1 2 3 4 एंड 5 जो हमारा पांचवा पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज का जो बहुत ही ज्यादा आपको वैल्यू देगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको ऑनलाइन से अर्निंग कैसे करनी है, इंटरनेट मार्केटिंग कैसे करनी है इसका पता चल सके और आप घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सको। और गाइज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज एक लाइक कर दो जो बिल्कुल भी फ्री है और एक बहुत अच्छा सा कमेंट कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेके आ सकूं। तो आज का क्या टॉपिक है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे डायरेक्ट। तो आज का जो गाइज टॉपिक है वो है गाइज स्ट्रेटेजी टारगेट ऑडियंस। यस गाइज की टारगेट ऑडियंस के लिए कैसे हम स्ट्रेटजी तैयार करें और टारगेट ऑडियंस को कैसे अपनी स्ट्रेटजी से कैप्चर करें। ठीक है गाइस, इस पर कोई भी बात नहीं करता लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं डिटेल में चीज़ों को बताऊंगा, इसलिए मैं इस चीज़ पे आपको बताऊंगा कैसे ये चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों जैसा कि अपना टॉपिक है स्ट्रेटजी टारगेट ऑडियंस, गाइस देखो इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, देखो अभी जो वीडियोस मैंने बताया जिसमें बेसिक्स बताया और एक एक लेवल आपको अप बताया है एफिलिएट मार्केटिंग का, अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को पहले देखो। बैक टू बैक मैंने 4-5 वीडियोस दी हैं, उन सब वीडियो को देखो और समझो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अभी हम लोग ये पांचवा पार्ट कर रहे हैं आज जिसमें मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी टारगेट एंड ऑडियंस, तीन चीज़ की बात हम करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस स्ट्रेटजी का मतलब भी आपको पता है, टारगेट का भी मतलब पता है, ऑडियंस का भी मतलब पता है और ये एक ही चीज़ है, टारगेटेड ऑडियंस आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो गाइस देखो स्ट्रेटजी इस चीज के लिए बनानी पड़ती है। अब आप बोलोगे कैसे, क्या और क्यों। मान लो आपका एक ग्रुप है जिसमें आप कोट पास करते हो, ठीक है, हिंदी सुविचार ऐसा करके कुछ, ठीक है, उसमें उस ग्रुप में ऐसा होता है कि हिंदी सुविचार लोग डालते हैं। तो अगर आप हिंदी सुविचार के ग्रुप में स्पोर्ट्स का, क्रिकेट की चीज़ें या किसी भी और स्पोर्ट्स की चीज़ें अगर आप डालते हो, कोई पोस्ट डालते हो, तो वो वहाँ लाइकेबल नहीं होगा वो, ठीक है, लाइकेबल भी नहीं होगा। प्लस अगर आप कुछ चीज़ें सेल करना चाहते हो तो वो भी आप नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज वहाँ टारगेट ऑडियंस नहीं है। इससे पहले मैंने एक नीश की बात की है, नीश और सब्जेक्ट और प्रोडक्ट कैसे आपको समझना है, कैसे चुनना है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है इससे पहले। तो मैंने वहाँ आपको बोला था कि आपका नीश ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अच्छा एक्सपर्ट हो, जिससे आपको प्यार हो। क्यों मैंने बोला था, क्योंकि आपको उस चीज़ की समझ हो और फिर जैसे कि आपने सेलेक्ट किया कि आपका जो नीश है वो ऑनलाइन मार्केटिंग है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए आप उन ग्रुप्स में जाओगे जहां ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग एंड मेक मनी ऑनलाइन, एमएलएम नेटवर्किंग, मतलब ये सब ग्रुप में वो लोग रहते हैं जो ऑनलाइन में काम करते हैं। तो आप अपने नीश से उन लोगों को टारगेट कर लोगे, लेकिन गाइस उसके लिए पूरी पहले एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कैसे जाके आप उनको टारगेट करोगे। हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं सोशल मीडिया का, ठीक है। तो सबसे पहला तो बेसिक मैंने जो आपको बताया कि अगर आपका नीश ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग, तो आप वही ग्रुप्स ज्वाइन करो जहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग जहाँ हो रही है वही ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। तीसरा गाइस जो चीज़ यहाँ आती है टारगेट ऑडियंस को पकड़ने के लिए, देखो गाइस तरीके बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप एक एक मतलब ऐसे तरीके से चलो जो लोग, मतलब एक ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपना सिर्फ पोस्टिंग करने आते हैं, ठीक है, मतलब वो अपनी चीज़ों को बेचने आते हैं ना कि खरीदने, और ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो खरीदने आते हैं।
तो आप अपने टारगेट ऑडियंस को इस ग्रुप में जाके फाइंड करो। कैसे करोगे फाइंड? उसके लिए आपको बहुत तरह की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। देखो, एक ग्रुप में देखना, बहुत सारे लोग इन्फो इन्फो लिखे रहते हैं, तो उन लोगों को आप अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते जाओ, या तो आप उनको डायरेक्ट वहां पर ही अपना जो भी लिंक है, जो भी आपका फनल का या तो आपके लैंडिंग पेज का जो भी लिंक है, आप उनको वहां देते जाओ। ऐसे करके आप टारगेट ऑडियंस को कलेक्ट कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया से। स्ट्रेटेजी टारगेट ऑडियंस, याद रखना। अगर आपका जो थीम है स्पोर्ट्स का है और आप डाल रहे हो सुविचार में, हिंदी सुविचार में, तो यहाँ आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो उससे पहले जब भी आप कोई चीज करने जाओ, अपने नीश का सिलेक्शन करो, तो ये स्ट्रेटेजी जरूर बिल्ड करो जहां पर आप लोगों को सही से टारगेट कर पाओ। यहाँ मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, लेकिन मैं अब भी आपको बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता। इसकी एक और वीडियो में बताऊंगा जहां आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन यहां याद रखो ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप उन्हीं को टारगेट करो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है। अगर आपके पास 3,000 भी सही टारगेट ऑडियंस है, तो आप इनसे लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो। और अगर आपके पास 1 लाख की ऑडियंस है और वो एक टारगेट ऑडियंस नहीं है, तो आप उनसे 1,000 रुपए भी आसानी से नहीं कमा सकते, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है सुविचार और स्पोर्ट्स वाला। तो इसलिए टारगेट ऑडियंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और सिर्फ ये टारगेट ऑडियंस के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ कि आप लोगों के दिमाग और जहन में ये चीज घुस जाए कि टारगेट ऑडियंस इज द की टू गेट मनी फ्रॉम द ऑनलाइन मार्केटिंग। याद रखना गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो स्पेशली मैं बनाया हूँ। स्ट्रेटेजी, टारगेट ऑडियंस, ये तीन चीज बहुत ही ज्यादा है। टारगेटेड ऑडियंस आप बोल सकते हो, स्ट्रेटेजी टू मेक टारगेट ऑडियंस। ऐसे करके ही आप बहुत तेजी से ग्रोथ पा सकते हो कम से कम लोगों के साथ। तो याद रखो, इस पे काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं एक एक बेसिक चीजें निकाल निकाल के आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे होंगे, सर क्या आप एक एकदम छोटी मोटी चीज बता रहे हो? गाइज, ये छोटी मोटी ही चीज हमें प्रॉब्लम करती है, तो इसीलिए मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। प्लीज इसका ध्यान रखो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में, और हो सकता है कि और भी काफी अच्छी अच्छी चीजें अभी आए और भी हम डीप जाए, ताकि आपको एक एक चीजें सही पता चल सके। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।